आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे न्यूट्रल सेक्शन वार्निंग बोर्ड, जैसे 500 मीटर बोर्ड, 250 मीटर बोर्ड, डीजे ओपन बोर्ड, डीजे क्लोज बोर्ड, साथ ही साथ लोअर पैंटो बोर्ड और रेज पैंटो बोर्ड के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन यानी विद्युतीय क्षेत्र में कहीं कहीं न्यूट्रल सेक्शन भी पाया जाता है। शॉर्टकट में हम आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में न्यूट्रल सेक्शन वैसा भाग यानी वैसा पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं रहता है, अर्थात न्यूट्रल सेक्शन एक डेड पार्ट होता है ओएचई का, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह वहाँ पर नहीं होता है। और इसी न्यूट्रल सेक्शन की पहचान के लिए यानी आगे न्यूट्रल सेक्शन है जानने के लिए, चेतावनी के लिए न्यूट्रल सेक्शन वार्निंग बोर्ड लगाया जाता है। तो न्यूट्रल सेक्शन जोन में जो प्रथम बोर्ड आपको दिखाई देगा वह होता है 500 मीटर बोर्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं 500 मीटर बोर्ड। चूंकि यह बोर्ड न्यूट्रल सेक्शन से 500 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, इसलिए इसका नाम भी 500 मीटर बोर्ड कहा जाता है। यह इस तरह से नीला कलर यानी ब्लू रंग, नीला रंग यानी ब्लू कलर का रिक्टेंगुलर यानी आयताकार बोर्ड होता है, जिस पर सफ़ेद रंग यानी वाइट कलर से 500 मीटर लिखा रहता है। इस बोर्ड को देखते ही लोको पायलट महोदय यानी चालक महोदय समझ जाते हैं कि आगे 500 मीटर यानी 500 मीटर की दूरी पर न्यूट्रल सेक्शन है, और लोको पायलट महोदय ट्रेन के नोच को जीरो पर कर देते हैं और इस तरह से ट्रेन की स्पीड बढ़ना बंद हो जाता है, यानी ट्रेन का स्पीड बढ़ नहीं पाता है। इसी तरह से इसके बाद इस तरह का 250 मीटर यानी 250 मीटर बोर्ड मिलता है। चूंकि यह बोर्ड भी न्यूट्रल सेक्शन से 250 मीटर यानी 250 मीटर की दूरी पर स्थित होता है, इसलिए इस बोर्ड का भी नाम 250 मीटर बोर्ड कहा जाता है। यह बोर्ड भी इस तरह से नीला रंग यानी ब्लू कलर का रिक्टेंगुलर यानी आयताकार बोर्ड होता है, जिस पर सफ़ेद रंग यानी वाइट कलर से 250 मीटर यानी 250 मीटर लिखा रहता है। यह बोर्ड देखते ही लोको पायलट महोदय यानी चालक महोदय समझ जाते हैं कि अब बस केवल 250 मीटर यानी 250 मीटर की दूरी पर न्यूट्रल सेक्शन है, और वे सतर्क हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस बोर्ड के पास आते ही चालक महोदय, लोको पायलट महोदय अपने हाथ को डीजे ओपन करने वाला जो स्विच रहता है उस पर रख देते हैं, ताकि डीजे ओपन करने के लिए जल्दी से रेडी हो जाए यानी तैयार रहे। इसके बाद मिलता है इस तरह का डीजे ओपन बोर्ड, यह भी एक ब्लू कलर यानी नीला रंग का रिक्टेंगुलर यानी आयताकार बोर्ड होता है, जिस पर तीन वाइट कलर यानी सफ़ेद रंग का लाइन यानी रेखा होता है, जिसमें ऊपर और नीचे वर्टिकल लाइन होता है और बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह होता है। इस बोर्ड के जस्ट आगे यानी तुरंत आगे न्यूट्रल सेक्शन रहता है, और जैसे ही लोको पायलट महोदय यानी चालक महोदय इस बोर्ड के पास पहुंचते हैं, लोको के यानी लोकोमोटिव के डीजे को ओपन कर देते हैं। इस तरह से न्यूट्रल सेक्शन से पहले क्या होता है कि डीजे जो है, लोको के जो डीजे है वह होता है ओपन हो जाता है, और पैंटो जो है वह न्यूट्रल सेक्शन में टच करने से पहले वहां पर जो डीजे है जो वह ओपन हो जाता है। इसके बाद मिलता है इस तरह का डीजे क्लोज बोर्ड, यह बोर्ड भी एक रिक्टेंगुलर यानी आयताकार बोर्ड होता है, जो कि नीले यानी ब्लू कलर का होता है, जिस पर तीन वर्टिकल सफ़ेद रंग का लाइन यानी तीन जो होता है
वर्टिकल लाइन होता है यानी रेखा होता है। इस बोर्ड के पास लोको पायलट महोदय डीजे को पुनः क्लोज कर देते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि न्यूट्रल सेक्शन अब पास हो चुका है, अतः यहाँ से डीजे क्लोज कर देना चाहिए ताकि ओएचई की सप्लाई पुनः लोकोमोटिव में आना चालू हो जाए। इसके अलावा दो बोर्ड और होते हैं जो कहीं कहीं इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में दिखाई देते हैं, जैसे यह इस तरह का एक लोअर पॉइंटो बोर्ड और इस तरह का रिज पॉइंटो बोर्ड भी दिखाई देते हैं। तो लोअर पॉइंटो बोर्ड के पास लोकोमोटिव के पॉइंटो को लोअर किया जाता है, नीचे किया जाता है, वहीं रेज पेंटो बोर्ड के पास पेंटो को पुनः ऊपर किया जाता है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कुछ सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, और वीडियो इससे भी अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो धन्यवाद।